नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्रीट। मैं हूं आपके साथ प्रीति। नए वर्ष की शुभकामनाओं के साथ शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले खबरें राज्यों से जुड़ी। नए साल के स्वागत में पूरा कोलकाता उत्साहित है। साल के पहले दिन लोगों का यह उत्साह बकायदा दिखाई भी दिया। लोग फैमिली के साथ बाहर घूमने निकले। लोगों का कहना है कि 2020 काफी बुरा गया, अब 2021 है, इसलिए बुरी यादों को छोड़कर नए हौसलों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस का 23वां स्थापना दिवस 1 जनवरी को राज्य भर में मनाया गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस के स्थापना दिवस पर कहा, मैं अपनी माँ माटी मानुस का और अपने सभी कार्यकर्ताओं का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, जो बंगाल को प्रतिदिन बेहतर और मजबूत बनाने में लगातार हमारे संघर्ष में शामिल है। उत्तर बंगाल में अभिषेक बंदोपाध्याय करेंगे चुनावी सभा। सोमवार से 4 दिवसीय दौरा होगा शुरू। तृणमूल स्थापना दिवस के मौके पर चेतला में मंत्री फिरहाद हकीम ने पार्टी का ध्वज फहराया। वहीं वार्ड नंबर 21 स्थित निमतल्ला में भी पप्पू तिवारी के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मंत्री शशि पांजा भी मौजूद थी। टीटागढ़ में भाजपा नेता मनीष शुक्ला की हत्या मामले में CID ने किया चार्जशीट पेश। सप्लीमेंट्री चार्जशीट में रह सकता है 2 पालिका प्रशासकों के नाम का संदेह भाजन के आधार पर होगी जाँच। अब रुख करते हैं देश और दुनिया से जुड़ी खबरों की ओर। सरकार की तिजोरी का अनलॉक। दिसंबर में GST का 1.15 लाख करोड़ का रिकॉर्ड कलेक्शन, ये 3.5 साल में सबसे ज्यादा। ऑक्सफोर्ड COVID-19 वैक्सीन को भारत के एक्सपर्ट पैनल्स की तरफ से मिली हरी झंडी। एक नजर जिलों से जुड़ी खबरों पर। राज्यपाल जगदीप धनखड़ पहुंचे पुरुलिया, चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने की कही बात। हमारे यहाँ हर चुनाव के अंदर एक ही चर्चा है देश में कि पश्चिम बंगाल का चुनाव रक्त रंजित होगा, विल बी अटेंडेड बाय वायलेंस। मैं सभी से अनुरोध करता हूँ, सरकारी तंत्र से करता हूँ, पुलिस से करता हूँ, आप लोगों से भी करता हूँ, हम ऐसे वातावरण का निर्माण करें जहां वी हैव वायलेंस फ्री इलेक्शंस। सुवेंदु अधिकारी के भाई सोमेंदु अधिकारी हुए भाजपा में शामिल। एवं आमार भाई हिसेबे नय, এই শহরকে গত 10 বছর ধরে সেবা দিয়েছেন। তিনিও আজকে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রাথমিক সদস্য পদ অনুপ চক্রবর্তীর কাছ থেকে গ্রহণ করবেন। কাল কা মৌসুম। महानगर का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। खिली धूप के साथ ठंड का कहर जारी रहेगा। कल का पंचांग। सभी खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए न्यूज स्ट्रीट। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।